दोस्तों आइए जानते हैं आज उस स्थान के बारे में जहां एक स्त्री ने एक पुरुष का अपहरण किया, जहां प्रथम केदार और द्वितीय केदार ही नहीं पंच केदार के दर्शन एक साथ मिलते हैं, जहां शिव ओमकार रूप में प्रकट हुए और जहां ब्रह्मदेव व श्रीहरि द्वारपाल के रूप में हैं और जहां शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विश्व के एक ऐसे स्थान के बारे में जहाँ कई आश्चर्य एक साथ मिलते हैं और ये स्थान है उत्तराखंड में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक ऊखी मठ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर अति प्राचीन धारतपुर परकोटा शैली में निर्मित विश्व का एकमात्र मंदिर है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 41 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1311 मीटर की ऊंचाई पर ऊखी मठ में स्थित यह मंदिर न केवल प्रथम केदार भगवान केदारनाथ बल्कि द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। पंच केदारों की दिव्य मूर्तियों और शिवलिंग स्थापित होने के कारण इसे पंच गद्दी स्थल भी कहा गया है। तो चलिए कराते हैं दर्शन आपको ऐसे महान स्थान के। और अब हम पहुंच गए हैं ऊखी मठ और हमने ले लिया है ये प्रसाद और अब हम चल रहे हैं मठ की तरफ। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जब केदारनाथ मंदिर को बंद किया जाता है उस दौरान भगवान केदारनाथ की मूर्ति को एक डोली में ऊखी मठ लाया जाता है और ऊखी मठ में विराजमान किया जाता है। साथ ही द्वितीय केदार मधमहेश्वर को भी इसी मंदिर में लाया जाता है और 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दौरान ऊखी मठ का महत्व केदारनाथ के बराबर माना जाता है, इसीलिए इनको सर्दियों का केदारनाथ भी कहते हैं। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने के लिए बाहरी भवन का एक विशाल सिंह द्वार है जो मंदिर में प्रवेश का सिर्फ एकमात्र रास्ता है और आप देखिए इसकी जो आकृति बद्रीनाथ धाम से बहुत कुछ मिलती हुई है, इसीलिए उत्तराखंड में इसको दूसरा स्थान दिया गया है। और जो इसका द्वार है वहाँ पे द्वारपाल के रूप में ब्रह्मदेव व श्रीहरि की प्रतिमाएँ रखी गई हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। और देखिए दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं अंदर। अंदर इस मंदिर को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। बीच में जहाँ पे केदारनाथ जी की सर्दियों में पूजा होती है, शिव जी हैं जहाँ पे ओमकारेश्वर हैं, और लेफ्ट साइड में जहाँ पे कृष्ण जी के पौत्र का विवाह हुआ था, और राइट साइड में पंच केदार। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं। और देखिए इस पे लिखा हुआ है कंठे यस विराज ते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वा मांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता नंद स्कंद गणाधिनाथ सहिता केदारनाथ प्रभु केदरांचल संस्थिते ही संततः कुर्यात सदा मंगलम। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर, पहले करते हैं दर्शन शिव जी के। और देखिए बाहर नंदी बाबा जी भी हैं, नंदी बाबा जी तो होंगे ही जहाँ शिव जी होंगे। तो पहले मंदिर शिव जी के दर्शन करके आते हैं। ये देखिए बाहर कितनी प्राचीन सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, यहाँ की आप देखिए रंग बिरंगा, बिल्कुल इसको देख के बद्रीनाथ ही याद आते हैं। और ये देखिए हमारे नंदी बाबा हैं और अंदर शिव जी के दर्शन करने, अंदर गर्भगृह में दोस्तों कैमरा अलाउड नहीं था तो हम अंदर का आपको नहीं दिखा सके हैं। और अब हम बाहर मंदिर का एक बाहर की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके मंदिर के लेफ्ट साइड में है जहाँ पे है पंच केदार। तो फिर हम आपको कराते हैं पंच केदार के दर्शन। ये है उसकी एंट्री और ऊपर देखिए लिखा है पंच केदार लिंग दर्शन। और यहाँ से देखिए नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर बादल और चारों तरफ का देखिए बिल्कुल देख के ही आंखें इतनी खुश हो जाती है ना ये सारा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके अंदर और हम आपको कराते हैं पंच केदार के दर्शन। दोस्तों पंच केदार में प्रथम भगवान केदारनाथ हैं, द्वितीय केदार मधमहेश्वर हैं, तृतीय केदार तुंगनाथ हैं, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर हैं। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव भ्रातृहत्या से पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वेदव्यास जी के कहने पर पांडव संगोत्र बंधु बांधव की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ तप करने आए, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया। भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। शिव अन्य पशुओं के बीच बैल रूप में मौजूद थे। भीम ने भगवान शिव को अन्य पशुओं के बीच उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों के बीच पैर फैला लिए। बाकी पशु भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में मौजूद शिव जी ने ऐसा नहीं किया। यह देख भगवान शिव बैल रूप में ही धरती में अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन भीम ने उनके आधे हिस्से को पकड़ लिया। इस तरह पांडव भगवान शिव के दर्शन पाकर संगोत्र भाइयों और मित्र बांधवों की हत्या के पाप से मुक्त हुए। तभी से केदारनाथ में भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति के शिला स्वरूप में मौजूद हैं और पूजे जाते हैं।
मदमहेश्वर में भगवान शिव मध्य भाग में विराजमान है। समुद्र तल से 21,000 से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मदमहेश्वर के कपाल भी शीतकाल के लिए 6 महीने तक यहीं रहते हैं, बंद हो जाते हैं तो यहीं पे दर्शन देते हैं। तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है शिव जी का। रुद्रनाथ मंदिर शिव जी का चौथा मंदिर है, ये मंदिर गुफा में स्थित है। और कल्पेश्वर मंदिर पंचम केदार के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान शिव जटा के रूप में विराजमान। शीतकाल में 6 माह पूजन अर्चन दर्शन किए जाते हैं, और 6 माह बाबा की जो पूजन अर्चन जो दर्शन किए जाते हैं, हिमालय केदारनाथ में बाबा का पूजन किया जाता है। जो बाबा की शिला होती है, जो लिंग होता है, वो ही रहता है शिला प्रति, और जो उसके साथ जो प्रतिमाएं होती हैं भोग, उस सब प्रतिमाएं होती हैं वह पालिकी से केदारनाथ जाती हैं और केदारनाथ से पालिकी में यहाँ आती हैं। ठीक दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज होता है, भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं और शीतकाल के लिए, और उस दिन से और आखा तीज तक भगवान केदारनाथ की पूजा मुखी मठ में की जाती है। इस देवभूमि उत्तराखंड में पंच केदार हैं। जब पांडवों पर गोत्र हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, मानव हत्या इत्यादि लग चुकी थी और पांडवों को आत्मग्लानि हो चुकी थी, तो पांडवों को आकाशवाणी हुई, आप हिमालय में जाइए और भगवान शंकर के दर्शन कर पाए। तो पांडव हिमालय की ओर निकले और चलते चलते केदारनाथ हिमालय में पहुंच गए। वहां उनको भगवान शंकर के दर्शन नहीं मिले, वो ढूंढते रह गए। एक जगह पर उन्हें वृषभ दिखाई दिया, उन्हें अनुभव हो गया वृषभ इस हिमालय में कहां से पहुंच गए। तो वो दौड़ी दौड़ी वृषभ के पास पहुँचे और जो ही वहाँ पर पहुँचे भगवान शंकर जी जमीन में छिपने बैठ गए। तब तक पांडवों ने वृषभ का पीछे का हिस्सा पकड़ दिया। तो वहाँ पर भगवान शंकर ने पांडवों को इष्टभाग के रूप में दर्शन दिए। फिर आगे बढ़े वहाँ से हिमालय की ओर मदमेश्वर मध्य भाग, तो मदमेश्वर में मध्य भाग नाभि के रूप में दर्शन दिए। उससे आगे फिर बड़ी तुंगनाथ क्षेत्र में पहुँचे, वहाँ पर भगवान शंकर ने उनको हृदय और बाजुओं के रूप में दर्शन दिए। फिर वहाँ से आगे बढ़े कल्पनाथ में, जहाँ पर भगवान शंकर ने मुखमंडल और नेत्र के रूप में दर्शन दिए। वहाँ से आगे बढ़े जहाँ कल्पेश्वर कहते हैं, वहाँ पर भगवान शंकर ने उनको जटा के रूप में दर्शन दिए। ये पंच केदार हिमालय में माने गए। और वहाँ से अंत में पांडव बद्रिकाश में पहुँचे और वहाँ से स्वर्गारोहण हो गए। तो ये पंच केदार हमारे इस हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में, और उन 5 केदारों में से 2 केदार शीतकाल में मुखीमठ उषा मानधात्री क्षेत्र में आ जाते हैं केदारनाथ जी में, और द्वितीय केदार भगवान नंदेश्वर। जो व्यक्ति हिमालय केदारनाथ में भगवान केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं और इस तपोभूमि मुखीमठ उषा मानधात्री क्षेत्र में आकर शीतकाल में भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कराते हैं दर्शन हम आपको उस जगह के, जहाँ पे उषा जो कि असुर राज बाड़ासुर की पुत्री थी और अनिरुद्ध जो कि कृष्ण भगवान जी के पौत्र थे, उनके विवाह की जगह हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी मुखीमठ के बारे में, कि जो एक जो सम्राट थे मंधाता, उन्होंने 12 साल यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। अंत में भगवान शिव की ध्वनि ओमकार के रूप में प्रकट हुए थे यहाँ पे शिव जी, और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से इस स्थान को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और अब हम आपको लेके चलते हैं उषा और अनिरुद्ध के विवाह स्थल की तरफ। पहले आप ये देखिए गर्भगृह की मूर्तियों को देखिए, कितनी सुंदर सुंदर अंदर मूर्तियाँ हैं। बहुत ही गहराई में ये गर्भगृह बनाया गया है, जहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता है। और देखिए इनके दर्शन आप करिए, और तब और एक कभी हम आपको मंडप भी दिखाएंगे, और उसके साथ साथ हम इससे जुड़ी जो कहानी है वो भी आपको बताते हुए चलते हैं। तो कहते हैं कि वाड़ासुर की पुत्री उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखा और वो उनको बहुत ही पसंद करने लगी और उनसे विवाह करना चाहती थी। तो एक दिन उन्होंने पलंग सहित अपनी योग बल से अनिरुद्ध को उनके घर से उठा के यहाँ पे लाकर अपहरण करके वो यहाँ पे ले आई। और ये दोस्तों जो मंडप दिखाई दे रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। और जो वाड़ासुर था
वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसके ऊपर शिव जी की असीम कृपा थी। तो जब यहाँ पे अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया तो कृष्ण जी अपने सारे प्रद्युम्न, अपने पुत्र प्रद्युम्न और बाकी लोगों के साथ यहाँ पे उसको छुड़ाने के लिए आया अनिरुद्ध को। तो फिर जब वाड़ासुर ने शिव जी को याद किया तो शिव जी वाड़ासुर की तरफ से आ गए। तो यहाँ पे आके कृष्ण जी और शिव जी की बहुत लड़ाई हुई, ऐसा कहानी में कहा जाता है। काफी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में बाड़ासुर को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण वास्तव में परमेश्वर हैं। ये जानकर बाड़ासुर श्री कृष्ण की शरण में आकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बाड़ासुर को क्षमा कर दिया, अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवाने का आदेश दिया। विवाह के बाद श्री कृष्ण अपने पोते और बहू को लेकर द्वारिका चले गए। इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध के प्यार को इसी जगह पे कहना चाहिए सफलता मिली थी। रामदाता जी ने तपस्या की थी और भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तो ओम के रूप में दर्शन दी, इसीलिए से ओंकारेश्वर कहते हैं। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर के उषा, भगवान कृष्ण के पुत्र नाती अनिरुद्ध और भगवान ये बाणासुर की पुत्री उषा, उषा अनिरुद्ध का विवाह इसी स्थान पर संपन्न हुआ था और उसी उषा के नाम से ऊखा मठ कहते थे, आज ऊखी मठ कहते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर ऑर्थन जॉन इवांस ने जुलाई 1892 को इस मंदिर का सर्वेक्षण किया था। इस दौरान जो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए उनका उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लैंड्स ऑफ गॉड्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ हिंदू टेंपल के अध्याय 523 में विस्तार से वर्णन किया है। शोध के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह मंदिर विश्व के सबसे प्राचीन एवं मजबूत मंदिरों में से एक है। और दोस्तों, आपको भी ये देखकर और यहाँ के बारे में जानकारी पाके ये लगा होगा कि वाकई में ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, और आप कभी भी इधर आएँ तो आप इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। Thank you.